बांका जिले के पंचपारा पुलिस अवैध शराब माफिया के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है और इस कड़ी में शनिवार को पुलिस ने क्षेत्र के माराटीकर गोविंदपुर ग्रामीण पथ से एक ऑटो से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ दो तस्करों को धर दबोचा है। जानकारी के मुताबिक पंचपारा थाना के एसआई अरविंद सिंह को माराटीकर गोविंदपुर ग्रामीण पथ पर गश्ती के दौरान झारखंड की ओर से आ रहे एक ऑटो पर शक हुआ और ऑटो को पुलिस थाना ले आई और जांच के दौरान ऑटो के सीलिंग के ऊपर से भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान अमरपुर थाना क्षेत्र के विष्णु पासवान और राकेश गुप्ता के रूप में हुई, जो पढ़ैया हाट से अवैध शराब को लेकर अमरपुर जा रहा था। पुलिस ने ऑटो से इंपीरियल ब्लू ब्रांड का 375 ml का कुल 335 बोतल विदेशी शराब जब्त कर लिया और ऑटो को जब्त करने हुए तस्करों पर मद निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अमरपुर थाना क्षेत्र के धर्मराय गांव स्थित स्कूल की छत से गिरने के कारण 8 वर्षीय बालक जख्मी हो गया। गंभीर स्थिति में परिजन जख्मी बालक को इलाज के लिए स्थानीय रेफरल अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टर अशोक कुमार शाह के द्वारा 8 वर्षीय जख्मी रोशन कुमार का प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायगंज भागलपुर रेफर कर दिया। अस्पताल परिसर में जख्मी के पिता मैनेजर दास ने बताया कि पुत्र रोशन कुमार अपने घर रानी किता से धर्मराय में हो रही मैच देखने गया था। धर्मराय गांव स्थित स्कूल के छत पर बैठकर मैच देख रहा था, अचानक असंतुलित होकर नीचे गिर गया। जख्मी बालक का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि बालक का एक हाथ टूट गया है। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।